वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। इस वक्त मैं हूँ फिलीपींस की राजधानी मनीला में। मनीला इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कितना महंगा है फिलीपींस का ये शहर मनीला। ये है फिलीपींस की करेंसी पैसोस। एक पैसोस है इंडिया के 1.5 रुपये के बराबर। ये है यहाँ के 1,000 पैसोस का नोट, जो कि इंडिया के 1,500 रुपये के बराबर है। फिलीपींस में लोगों की एवरेज सैलरी 15,000 से 20,000 पैसोस के आसपास होती है, विच इज़ समवेयर अराउंड 25,000 to 30,000 इंडियन रुपीज़। पर इतने पैसे में यहाँ पर जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों के दाम इंडिया के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आज सबसे पहले हम जा रहे हैं एक 7-Eleven स्टोर, उसके बाद हम चलेंगे एक सुपर मार्केट और आखिरी में हम जाएंगे एक सब्ज़ी मंडी, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ों के क्या दाम हैं। तो कुछ इस तरह से दिखती हैं मनीला की सड़कें। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ के लोकल ऑटोज़ हैं। इन्होंने इसको जुगाड़ के साथ बना रखा है। यहाँ पे एक बाइक होती है और बाइक के साथ इन्होंने ये साथ में सिस्टम जोड़ रखा है। इसको जोड़ करके ये इन्होंने यहाँ पे ऑटो बना रखा है। इस ऑटो में 1 से 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आज वीकेंड है और अभी दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर वर्किंग डेज़ में सुबह और शाम यहाँ पर सड़कें बिल्कुल भरी रहती हैं। फिलीपींस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती है जीपनी। मैं दिखाता हूँ आपको, सामने मेरे जीपनी आ रही है, इसमें अराउंड 20 से 25 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ये देखिए, सड़कों पे अगर आप देखें, ये हरी पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, ये इन्होंने बाइक और स्कूटीज वालों के लिए बना रखी है। तो अभी मैं आ गया हूँ एक 7-Eleven स्टोर, चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ के प्राइसेस। तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ का 7-Eleven स्टोर। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं आपको अभी सुपरमार्केट में दिखाऊंगा, बट कुछ एक चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देखें, 100 ग्राम दही यहाँ पे 60 रुपये में मिलती है, मतलब 1 किलो दही अगर इस तरीके से आप लेंगे तो 600 रुपये किलो आपको वो दही पड़ेगी। दूध यहाँ पे इस तरीके से मिलता है 200 रुपये के आसपास। ये दूध लगभग 200 रुपये के आसपास, 200 से भी ज़्यादा का पड़ेगा ये दूध। आधे लीटर की ये कोका कोला की बोतल, इसका प्राइस पड़ेगा 65 या 66 रुपये। पानी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका भी आप प्राइस देखो यहाँ पे, 22.5 रुपये का आधा लीटर पानी, और 1 लीटर पानी पड़ेगा 37.5 रुपये। ये मैं आपको इंडियन रुपीस में बता रहा हूँ, 37.5 रुपये 1 लीटर पानी। ये ब्रेड 150 रुपये की ये ब्रेड है, तो अपने इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना महंगी ब्रेड है यहाँ पर। तो ये थे प्राइसेज यहाँ पे 7-Eleven स्टोर पे। अब चलते हैं एक सुपर मार्केट और सुपर मार्केट के प्राइसेज आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेनली जो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं वो हैं फ्रूट्स, सब्जियाँ और दूध। ये बहुत एक्सपेंसिव है अपने देश से, बट अदरवाइज़ जो बाकी सारी खाने की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो लगभग 40 से 50% महंगी हैं। वो भी महंगी तो है ही है। अब मैं आ गया हूँ एक सुपर मार्केट जिसका नाम है सुपर माइटी मार्ट। चलते हैं अंदर और यहाँ पर भी प्राइसेस देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के रेट्स बताने शुरू करता हूँ। 400 ग्राम का ये बिस्किट है 194, यानी कि 300 रुपये में ये 400 ग्राम का बिस्किट। ये यहाँ पे सारी चावल की वैरायटी है, पर इसमें कोई भी इंडियन वैरायटी वाला चावल नहीं मिलता। ये लेज का एक बड़ा पैकेट है 178, तो लगभग वही 300 रुपये के आसपास का ये लेज का पैकेट 170 ग्राम। 100 ग्राम पीनट 37 पैसों में। गेटोरेट की एक बॉटल 45 पैसों। कोल्ड ड्रिंक्स की ये 320 ml के कैन आते हैं 35 पैसों में। चॉकलेट टाइप में भी ब्रेड आती है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये है 95 पैसों, लगभग 150 रुपये की ये ब्रेड 400 ग्राम। उसके बाद मैं आपको बड़ी ब्रेड दिखाता हूँ। ये जो बड़ी ब्रेड है जो अभी हमने देखी, ये वो ये 150 रुपये की ये बड़ी ब्रेड आती है यहाँ पे। ये यहाँ की लोकल कोल्ड ड्रिंक्स है, 1.5 लीटर की ये बॉटल है 66 पैसों में, यानी कि 75 रुपये में ये छोटा सा 25 ml का टूथपेस्ट। ये डव के शैम्पू की बॉटल है, 340 ml की ये बॉटल है, 400 रुपये से भी ज़्यादा की ये बॉटल शैम्पू की। ये यहाँ पर रॉ चिकन का रेट है, चिकन विंग्स हैं यहाँ पे 251 रुपये में 1 किलो। ये है होल चिकन 205 रुपये में 1 किलो। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पोर्क का मीट है, और ये है 509 में 1 किलो, यानी 750 रुपये का पोर्क का 1 किलो मीट। पोर्क का अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इस तरीके से टांगे भी इस तरीके से मिलती हैं। फिलीपींस में बीफ का मीट खाया जाता है और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये यहाँ पर आप अगर देखें तो ये इन्होंने बीफ का मीट यहाँ पर बिक रहा है 522 रुपये किलो, यानी 750 या 800 रुपये किलो के हिसाब से। 1 किलो चीनी यहाँ पे मिलती है इंडियन 75 रुपये में। ये है 1 किलो नमक, नमक का रेट है यहाँ पे 62 रुपये, यानी लगभग 90 रुपये के आसपास। ये यहाँ पे मसालों का सेक्शन है, पर यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं हमारे जो इंडिया के नहीं मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर काली मिर्च ये लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ होल पेपर।
ये है क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये बे लीव्स हैं, ये तो हमारे इसमें यूज़ होती हैं खाने में। सिसमी सीड्स, चीज़ पाउडर हम लोग तो यूज़ नहीं करते हैं। तो टर्मरिक यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, तो हम लोग टर्मरिक ढूंढ रहे थे तो हमें आसानी से नहीं मिली थी, तो वो एक आइटम है जो यहाँ पे यूज़ नहीं होती है। ये यहाँ के चावल हैं, पर चावल यहाँ पे थोड़े से मोटे हैं। ये है एक डेल मोंटे का टमेटो सॉस का पाउच, जो कि है 25 पैसों में। फिलीपींस का कल्चर अमेरिकन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए यहाँ पे कैंड फूड बहुत खाते हैं। मैंने देखा है अपनी कार्ट में भर भर के लोग कैंस यहाँ से लेकर के जा रहे होते हैं अलग अलग चीज़ों के। एक बिस्किट का पैकेट है, अराउंड 250 ग्राम बिस्किट है इसमें, जो कि 150 पैसों यानी कि 225 रुपये में 250 ग्राम बिस्किट, ये चॉकलेट बिस्किट। नेस्ले माइलो का ये एक छोटा सा पैक है, जैसे अपने यहाँ पे रियल फ्रूट जूस आता है उस तरीके से। दिस इज़ 27 पैसों में ये 180 ml नेस्ले माइलो। वैसे तो ये लोग ज़्यादा वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं, बट एक दाल है जो मुझे काफ़ी जगह दिखाई दे जाती है, ये मूंग की दाल है, ये लोग ये यूज़ करते हैं। ये यहाँ का सब्जियों का सेक्शन है, एक बार आपको यहाँ पे सब्जियों का रेट दिखाता हूँ। ये 2 गाजर हैं, सिर्फ 2 गाजर 64 पैसों में, तो लगभग 100 रुपये की ये 2 गाजर हैं। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी महंगाई है। अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये में आपको मिलेंगी ये 100 ग्राम बीन्स। नींबू अगर आप देखें तो 25 पैसों का एक नींबू है, तो अराउंड 37-38 रुपये में एक नींबू। ये 30 रुपये में 150 ग्राम भिंडी मिलेगी। आगे दिखाता हूँ आपको, एक मूली, सोचिए आप, एक मूली यहाँ पे 400 ग्राम की है और ये मूली 90 रुपये में एक मूली मिलेगी। ये अब आते हैं खतरनाक चीज़ पे, शिमला मिर्च, ये बहुत महंगी है। 150 ग्राम शिमला मिर्च, ये 2 शिमला मिर्च आपको मिलेंगी 125 से 130 रुपये में। 130 रुपये की शिमला मिर्च बहुत ही महंगी है। और ये सिंगल शिमला मिर्च है अराउंड 125 रुपये की। इसको हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर यहाँ पे तो हम इसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे हैं। ये यहाँ का खीरा, तो आप समझिए ये लगभग 55 रुपये का एक खीरा मिलेगा यहाँ पे। अब दिखाता हूँ आपको टमाटर, टमाटर भी यहाँ पे ना क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती है, हरे हरे टमाटर मिलते हैं। 250 ग्राम जो टमाटर हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, तो टमाटर उतने महंगे नहीं है, बट स्टिल महंगे तो हैं, 160 रुपये किलो के आसपास टमाटर। और ये यहाँ का स्टैंडर्ड रेट है, ये इससे कम नहीं होते हैं। ये 27-28 रुपये की 90 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम बैंगन है 60 रुपये में। तो ये एक जो संतरा है आपको दिखाई दे रहा है, एक संतरा बहुत छोटा सा है, अब पता नहीं संतरा है कि किन्नू है या क्या है ये, पर ये सिर्फ एक छोटा सा 45 रुपये का। ये सेब, ये एक सेब लगभग 70 रुपये का। 2 अरबी हैं ये, और ये 2 अरबी 30 रुपये में। ये बंद गोभी है, माय गॉड, 700 ग्राम बंद गोभी है ये। ये एक बंद गोभी पड़ेगा 220 इंडियन रुपीस का। अदरक का प्राइस है 100 ग्राम 30 रुपये, तो मतलब 300 रुपये किलो अदरक है यहाँ पे। अंडे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अंडे यहाँ पे ये पर्पल कलर के अंडे मिलते हैं, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इनको, कैसे ये पर्पल करते हैं, क्या प्रोसेस है, पर पर्पल कलर के अंडे यहाँ पे मिलते हैं। 3 आलू 75 रुपये, 75 भी नहीं है, शायद 80 रुपये के पड़ेंगे आपको, और आप मनी कन्वर्जन कराएंगे तो आपको और भी 5-7 रुपये महंगे पड़ेंगे। तो 3 आलू हम इंडियंस को यहाँ पे आके अराउंड 85 रुपये में 3 आलू मिलेंगे यहाँ पे 300 ग्राम। प्याज है 200 ग्राम 50 पैसों, मतलब 75 रुपये में ये 200 ग्राम प्याज। 250 ग्राम गार्लिक है 45 पैसों में। अब मैं आपको कुकिंग ऑयल दिखाता हूँ, ये 1 लीटर कुकिंग ऑयल है 310 रुपये का 1 लीटर कुकिंग ऑयल। अब मैं आपको दिखाता हूँ बटर, नहीं लगभग 155 रुपये में 200 ग्राम बटर। तो फ्लेवर्ड योगर्ट अगर आप देखें तो 80 रुपये में 125 ग्राम योगर्ट। तो देखा आपने कितना महंगा है फिलीपींस का ये शहर मनीला। यहाँ पे लोग कैमरे को देख करके बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ भी मैं कैमरा उठा करके वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ तो लोग रुक रुक के कैमरे के फ्रेम में आ जाते हैं, या फिर हाय करने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है यहाँ पे लोग। तो 180 रुपये का 1 किलो मिलेगा बैंगन, यहाँ पर भी बहुत महंगा है 10 पैसे, तो 15 रुपये के 2 टमाटर हैं ये। तो यहाँ पर भी 260 रुपये का 1 किलो आलू मिल रहा है, 300 रुपये किलो यहाँ पे गाजर मिल रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 100 ग्राम बीन्स हैं ये, एंड ये भी हैं 10 पैसों, मतलब 15 रुपये में ये बीन्स मिलेंगी। बाकी हरी पत्तियाँ यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की मिलती हैं, ये हमारे वहाँ पे तो इसको खाते नहीं हैं, ये कुछ अलग टाइप की लीफी वेजिटेबल्स हैं ये भी, और ये भी कुछ यहाँ पे ये लोग खाते हैं, तो ये हम लोगों के वहाँ पे तो यूज़ नहीं होती हैं। इसके अलावा एक और सब्ज़ी है जो कि हमारे वहाँ तो नहीं मिलती है, मैंने मलेशिया में भी देखी थी, ये एक और सब्ज़ी है जो अभी तक हमने टेस्ट नहीं करी है, बट ये भी एक सब्ज़ी है जो यहाँ पे मिलती है और काफ़ी फेमस है ये यहाँ। ये केले की दुकान, तो 150 रुपये का 1 किलो यहाँ पे ये भाई साहब बेच रहे हैं केले।
तो देखा आपने कितनी महंगाई है फिलीपींस के शहर मनीला में। नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें भी आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी महंगाई है फिलीपींस में। आज के इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।